बैग है टोटल पर। डुमस, डुमस जो है वो डुमस का बीच मज़ा नहीं आया है। डुमस के में सूरज ऊपर की ओर अब उठता हुआ, डुमस ये सूरत जिले में जो सूरत का एयरपोर्ट है उससे करीब 8-9 किलोमीटर दूर है। यहाँ बीच पर हम आ तो गए हैं लेकिन बीच जैसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कीचड़ है ढेर सारा, मतलब मीलों फैला हुआ कीचड़ है और दिखाई दे रहा है यहाँ सागर जो है वो बहुत दूर है और बीच में कीचड़ है और जो ये तट है सागर का ये बहुत जो मुझे लग रहा है तेल जैसा काफ़ी कुछ गिरा हुआ है, कीचड़ बहुत है यहाँ पर। बीच पर व्यवसाय ज़्यादा है इसके कारण यहाँ पर प्रदूषण भी मुझे बहुत दिख रहा है। कुल मिला करके मज़ा आया नहीं है। हालांकि बीच पर लोग टहल रहे हैं और हाँ मॉर्निंग वॉक के लिए ठीक है, लोग आकर के टहल लें और घूम के चले जाएं, लेकिन इसके अलावा बीच जैसा अब जैसे मरीना बीच है या केरल का कोवलम बीच है हैं, तो ये जगहें जो हैं जिन्होंने वहाँ भ्रमण किया है सम सागर का, इन जगह पर आकर के वो दुखी ही होंगे। यहाँ पर सामने एक मंदिर है और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर डुमस कस्बा है। डुमस बीच पर हम लोग चलते हुए और डुमस बीच पर मॉर्निंग वॉक और ये दिख रहा है, लेकिन इस बीच पे दम नहीं है, लोग मोटरसाइकिलों से टहल भी रहे हैं, काफ़ी घूम घाम रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, कुछ जो है जीप भी यहाँ पर दिख रही है। सामने एक जहाज दिख रहा है मगर लोग सफुटिया से टहल रहे हैं, कुछ ऊँट भी दिख रहे हैं है। व्यवसाय के संसाधन हैं, लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जबकि बच्चे जो है ऊँट पे टहल रहे हैं, लेकिन बीच का सागर जो है यहाँ किनारे होना चाहिए, यहाँ पर सागर के बीच में जो है कीचड़ आ गया है। यहाँ पर कुछ बीच जैसा नहीं है, बीच तो है मगर समुद्र जैसा नहीं। बता रहा था कि समुद्र देख रहा हूँ तो वहाँ जाइए, कहीं वहाँ ना हो जहाँ बता रहा था कल। हाँ कहीं बता रहा था वो, क्योंकि सूरत है बंदरगाह तो जरूर कहीं कहीं जाकर जरूर लगता होगा जहाँ। बंदर सूरत का बंदरगाह कहीं और होगा। हाँ अच्छे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, ऊँट भी हैं, कुछ जीते हैं जो थोड़ी दूर टहला करके लोगों को लाती हैं, बस यही यहाँ का बीच है। तो चलिए ठीक है, हम दो दोस्त भी टहल रहे हैं और बीच पर कुल मिला करके एक बीच पर क्रिकेट भी बच्चे खेल रहे हैं ये, और ये देखिए इन्होंने स्लिप में बाल को स्लिप में इन्होंने जो है स्लिप में इन्होंने कट किया है और उसके बाद देखिए यहाँ जीप चल रही है। कुल मिलाकर के मस्ती भरा माहौल है। मस्ती तो है मगर इस बीच में सागर गायब है और बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा देखिए एक बीट लड़की जो है किस तरह से